दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको ट्रेन में सीट ना मिले तो आप किस तरीके से आराम से सफर कर सकते हैं, या फिर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से निपटने के लिए सबसे बेहतर मीडियम आपके लिए क्या होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की तरफ, रिट्रैक्टेबल स्टूल। दोस्तों बात हो अगर इंडिया में जुगाड़ की तो सबसे ज्यादा हम लोग इसमें आगे रहते हैं। तो दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पर आप अपने बैठने का जुगाड़ जहां चाहे वहां कर सकेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आप ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीट मिलती है और कभी कभी नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अब की बार सीट ना मिले तो बिल्कुल भी बेचैन मत होइएगा, तुरंत इस्तेमाल करिएगा इस तरीके का गैजेट जिसे आपने अपनी बैग में रख रखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि आसानी से आपके कैरी बैग में आ जाएगा और आप जहां चाहे इसे लेकर कैरी सकते हैं। बस इसे एक बार आपको एक्सपेंड करना होगा जिसके बाद ये आपके बैठने का जुगाड़ तुरंत कर देता है। अगर बात करी जाए इसके साइज की तो काफी ज्यादा छोटा तो होता ही है ये, लेकिन आप इसके स्टूल के साइज को भी छोटा और बड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा मजेदार फीचर रहता है इसका। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा जुगाड़ जिसमें आप जहां चाहे वहां आराम से बैठ सके, तो ये गैजेट आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा। अमेज़फिट टी-रेक्स। दोस्तों अगर बात करी जाए फिटनेस वॉचेस की तो काफी सारी वैसे तो फिटनेस वॉचेस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एक रफ टफ फिटनेस वॉच चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में कर सकें, तो ये गैजेट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों नॉर्मल फिटनेस वॉचेस की एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर वो थोड़ा बहुत भी गिर जाती है तो उसमें डैमेज हो सकता है। लेकिन इस वॉच को काफी ज्यादा रफ एंड टफ सिचुएशंस के लिए बनाया गया है, हल्का फुल्का गिर जाने पर भी ये ठीक ठाक तरीके से काम करेगी, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। वहीं ये वॉच खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि हाइकिंग वगैरह पर जाते हो या फिर ट्रैकिंग वगैरह पर जाते हो, जहां पर अक्सर उनके चोटें लगा करती हैं, जिसकी वजह से घड़ियों पर भी निशान आ जाते हैं। लेकिन इसे इस तरीके से कुछ डिजाइन किया गया है कि इसकी डिस्प्ले बड़ी ही कमाल की रहेगी। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इसमें पावर कंजम्पशन भी बेहद कम रहता है, जिसकी वजह से इसमें 20 दिनों की बैटरी लाइफ मिल जाती है। हालांकि इसकी स्क्रीन एकदम स्टैंडर्ड स्मार्ट वॉच के साइज की ही रहती है, लेकिन इसकी कमाल की बैटरी की तो यहां पर तारीफ करनी ही होगी। वहीं अगर दोस्तों बात कहते हैं इसको मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से बनाया जाता है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है देखने में, और साथ ही ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ रहेगी, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल कैसी भी सिचुएशन में कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक फिटनेस वॉच परचेज करना तो आई थिंक ये ऑप्शन आपके लिए एकदम बेहतर रहेगा। टॉयलेट टाइमर। दोस्तों आजकल मोबाइल फोन के लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि वो अपने बाथरूम तक में भी इसको नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता हो कि आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो और साथ में अपना सेल फोन ले जाते हैं उसमें चैटिंग करने के लिए या फिर गेम वगैरह खेलने के लिए, तो अक्सर वहां पर भी समय का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से लोग अक्सर 5 से 10 मिनट तक उसके अंदर बिता देते हैं। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के लिए बना है खास तौर पर ये टाइमर, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आप को अवेयर करने के लिए, यानी कि बस इसे एक बार आपको अपने आसपास लगा लेना होगा, जिससे कि ये आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि आप कितने समय से बाथरूम में हैं, और 5 मिनट हो जाने के बाद इसकी पूरी बालू नीचे के सेक्शन में चली जाती है, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग सके कि 5 मिनट आपको बैठे बैठे हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से समय को वेस्ट कर देते हैं अपने बाथरूम में मोबाइल फोन को ले जाकर, तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा अवेयर करने का काम करेगा आपके टाइम के प्रति। बीपी डॉक्टर। दोस्तों अगर आप या आपके घर में किसी को बीपी की शिकायत है तो ये गैजेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं हार्ट रेट मॉनिटर और बीपी सेंसर में। दोस्तों इन दोनों ही चीज में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जो हार्ट रेट मॉनिटर होता है वो सिर्फ आपकी दिल की धड़कन को नापता है, जबकि ये गैजेट आपका ब्लड प्रेशर को नापने का काम करेगा। दोस्तों इसका रिस्ट बैंड एक एयर ब्लैडर का काम करता है, साथ ही इसमें एक छोटा सा एयर पंप भी लगा होता है जो कि इसमें हवा भर देता है, जिसके बाद इसके सेंसर से एक्यूरेटली डेटा को मेजर करते हैं और साथ ही आपको बीपी का आउटपुट इसकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होता है, यहाँ पर आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप टाइम सेट कर दीजिए कि किस टाइम आपको बीपी मेजर करना है, ये ठीक उसी समय आपके बीपी को नाप कर आपका आउटपुट मोबाइल फोन पर सेंड कर देगा, जिससे कि आप एक ग्राफिकल वे में अपने बीपी को देख पाए। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि अक्सर बीपी की प्रॉब्लम से जूझते हों, और खास तौर पर दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। ये एक आपके लिए हेल्थ ट्रैकर का भी काम करता है, जिसमें आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि किसी नॉर्मल हेल्थ ट्रैकर में करते हो। तो दोस्तों आप भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। एयर टाइमर एयर प्यूरिफायर।
दोस्तों आजकल पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है, और बात करी जाए अगर बड़े बड़े शहरों की तो वहां पर तो पॉल्यूशन ने एकदम अपनी हद पार करके रखी हुई है। और अभी हाल ही में दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कोरोना वायरस के बारे में काफी ज्यादा उत्पात मचा रखा है इसने आजकल। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों से दूर रहना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से एयर प्योरीफायर का। दोस्तों वैसे तो रूम्स के लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े एयर प्योरीफायर आते हैं आप जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा पर्सनल एयर प्योरीफायर होता है जिसे आपको अपनी कॉलर पर लगाना होगा, जिससे कि ये आपके आसपास के सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को आपसे दूर रखता है। दोस्तों इसका सेंसर लगातार नेगेटिव आयन रिलीज करता है जो कि आसपास के एटमॉस्फेयर में सारे पॉजिटिव आयन को या तो डिस्चार्ज कर देगा या फिर तेजी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे कहीं दूर ले जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाकई काफी ज्यादा मजेदार रहेगी जिससे आप अपनी आसपास की हवा को साफ रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा एयर प्योरीफायर जो कि हमेशा आपके साथ रहे और आपकी सेहत के लिए हमेशा फायदेमंद हो, तो ये गैजेट आपके लिए ही बना है। ग्रैम्प मैट। दोस्तों अगर आपका काम मैकेनिकल टाइप का हो थोड़ा, यानी कि आपको भी अक्सर मशीनों के साथ जूझना पड़ता हो, तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास काफी सारे ऐसे औजार होते हैं जिनकी आपको समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है, और अगर आप किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं या फिर असेंबल कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो वहां पर आप अगर बार बार उन्हें उठकर लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर काफी ज्यादा टाइम वेस्टिंग और थोड़ा सा सरदर्द करने वाला हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके की मैट को, जो कि आपके टूल्स के साथ साथ छोटी छोटी चीजों को कैरी करने में भी आपकी मदद करेगी। दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स बने होते हैं जहां पर आप पेच और नट बोल्ट वगैरह को अपने साथ रख सकते हैं, वहीं इसमें आप अपने स्क्रू ड्राइवर्स या प्लास पेचकस वगैरह को भी रख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका काम मैकेनिकल फील्ड से जुड़ा हो तो ये गैजेट आपके बेहद काम आने वाला है। मैजिक क्रीपर। दोस्तों अगर गाड़ी के नीचे लगा कोई भी पुर्जा गड़बड़ा जाता है तो किसी भी मैकेनिक को सबसे पहले उसके नीचे जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरदर्दी का काम होता है। हालांकि दोस्तों इसके लिए स्लाइडर्स वगैरह अवेलेबल हैं जिससे कि आसानी से वो स्लाइड कराकर जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइज में थोड़े से बड़े पड़ जाते हैं। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की मैटिंग्स का जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगी। दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आप रोल करते हुए आसानी से नीचे की तरफ चले जाएंगे, जो कि बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ अंदर जाने का। वहीं दोस्तों इसे बाहर आने में भी आपको काफी ज्यादा सहूलियत रहेगी, क्योंकि ये ठीक उसी तरीके से स्लिप करता हुआ बाहर आ जाता है। तो दोस्तों इसके सरफेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इससे आपको स्लिप करने में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा गैजेट परचेस करना जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी सिचुएशन में कर सके, लाइक अगर आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हो और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप भी फौरन उसकी इनिशियल स्टेज पर जांच कर सकते हैं गाड़ी के नीचे जाकर। तो अगर आप चाहते हैं इसे एक बार ट्राई करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ह्यूमन होइस्ट। दोस्तों ये एक बेहद एडवांस गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है चीजों को रिपेयर करने में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं या फिर कार वगैरह होती हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा कम स्पेस होता है, ऐसी सिचुएशन में उसके नीचे जाना बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन इस गैजेट की मदद से आसानी से जाया जा सकता है। इसकी खास बात ये होती है ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि आप इसमें चाहे तो इसका इस्तेमाल एज अ चेयर भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से झुकाकर आप किसी भी कार वगैरह के नीचे भी जा पाएंगे। इसमें काफी पावरफुल मोटर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि इस डिवाइस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। आप आराम से इसमें लेट कर भी इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैक शार्क ऑफ इंडियन गेमिंग ईयरबड्स। दोस्तों ब्लैक शार्क की गेमिंग डिवाइसेस तो काफी ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रखी हैं, लेकिन अगर वही बात करी जाए इनके ईयरबड्स की तो उनका भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिल जाती हैं आपको ऐसी लो लेटेंसी के ईयरबड्स जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसकी बनावट की तो दोस्तों इसमें नायलॉन कोटेड वायर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। वहीं इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन लेटेंसी के नाम पर ये बहुत ही ज्यादा कम रहती है, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसका बैटरी बैकअप तो दोस्तों उसकी तो बात ही मत करिए, ये आपको लगभग 840 मिनट यानी कि लगभग 14 घंटों का बैकअप देती है, यानी कि इसे आप सिंगल चार्ज पर 14 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी गेमिंग ईयरबड्स परचेज करना तो ब्लैक शार्क की ये गेमिंग ईयरबड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। स्क्वायर ऑफ बोर्ड गेम्स।
दोस्तों अगर आप चेस खेलना पसंद करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि वैसे तो हम लोग घरों में ट्रेडिशनल चेस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कि आप गेम का मजा लेते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए तो ये देखने में कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई भी चाल चलते हैं तो उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड आपके मोबाइल फोन पर भी सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ आप चेस का मजा ले सकते हैं। अगर बात करी जाए इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप चाहे तो इसे ऐप वर्सेस बोर्ड खेल सकते हैं या फिर बोर्ड वर्सेस बोर्ड भी खेल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मोबाइल फोन ऐप पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे तगड़ा फीचर वो ये होता है कि ये बोर्ड भी पूरी तरीके से ऑटोमेटेड चालें चल सकता है, यानी कि अगर आप सिर्फ बोर्ड के साथ ही चेस का मजा लेना चाहें तो वो भी आपको चैलेंज में कहीं पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों इस तरीके के एडवांस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताए कुछ ऐसे एडवांस गैजेट जो कि बड़े ही मजेदार रहते हैं। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से मजेदार गैजेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।